डीएनएस एक है हॉरिजॉन्टल नेमिंग सिस्टम। डीएनएस एक प्रकार का हॉरिजॉन्टल नेमिंग सिस्टम है। टेलनेट सेवा के द्वारा हम चलाते हैं, इसके द्वारा रिमोट प्रोग्राम चलाया जाता है। वर्तमान में आईपी एड्रेस होता है 4 बाइट का। इंटरनेट स्विचिंग काम में लेता है पैकेज को, सर्किट को, टेलीफोन को या टेलेक्स को, या पैकेज को लेता है। HTML में एक लिंक को दूसरे URL के साथ जोड़ने हेतु क्या टैग किया जाता है? ए लेस देन ग्रेटर देन का टैग किया जाता है। एक प्राइवेट IP एड्रेस है, डी ऑप्शन। वेब को एक्सेस करने हेतु प्रोग्राम आवश्यक होता है, ब्राउजर। जब इंटरनेट डाटा आपका कैंपस छोड़ता है तो यह सामान्यतः अपने गंतव्य स्थान पर जाने से पहले जाता है, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट पर। amazon.com निम्न मॉडल का प्रकार है, B2C, PPP का पूरा नाम है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इंटरनेट एड्रेस के द्वारा दिया जाता है, इंटर NIC। WWW के आविष्कारक है टिम बर्नर्स-ली। वेब डिजाइनिंग में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? HTML। निम्न में से एक वेब ब्राउजर है, नेटस्केप। data.net किस कंपनी का उत्पाद है? माइक्रोसॉफ्ट का। वेब मानक कौन बनाता है? द वर्ल्ड वाइड कार्टोसियम। इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर में अनाधिकृत एक्सेस वर्जित करना फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य होता है। निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट वेब पेज और उसके वेब पर कंप्यूटर की पहचान करता है? डोमेन नेम। ईमेल पतों को @ का चिन्ह यूज के नाम को ISP से अलग करता है। टेक्स्ट में वर्णित मेल सर्वर POP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। एक बड़े समूह को एक ही समय ईमेल भेजने के लिए लिस्ट सर्व सॉफ्टवेयर क्या उपयोग हो सकता है? अवांछित वाणिज्यिक ईमेल को सामान्यतः के नाम से जाना जाता है, स्पैम के नाम से जाना जाता है। एक न्यूज ग्रुप पर एक संदेश के साथ उत्तरों को अक्सर थ्रेड कहा जाता है। इंटरनेट प्रारंभिक तौर पर इस सरकारी एजेंसी की परियोजना है, अर्पा। HTTP प्रोटोकॉल एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ने का समर्थन करता है। एक वेब संसाधन का उपयोग करने के लिए एक पूर्ण URL के पहले भाग को कहा जाता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है। ई व्यापार बुनियादी ढांचा को संदर्भित करता है।
उपरोक्त में सभी इंटरनेट है कंप्यूटरों का एक विश्वव्यापी वेब परस्पर नेटवर्क जो कि आपस में संवाद करने के लिए एक सामान्य प्रोटोकॉल उपयोग करता है। इंटरनेट के लिए कंप्यूटरों के बीच संवाद के लिए सामान्य रूप से सहमत नियमों के सेट की आवश्यकता होती है। आईपी पता इस समय 4 पॉइंट लंबा है। कंप्यूटर अपराध और पुराने कंप्यूटर को अपराधों के नए तरीकों में वृद्धि के क्या कारण हैं? कंप्यूटर और इंटरनेट तथा उसकी सेवाओं का विस्तार के प्रयोग में वृद्धि। ई वाणिज्य जिसमें उपभोक्ता द्वारा शुरू की गई और व्यापारों को लक्षित की गई व्यावसायिक गतिविधि शामिल है तो वह है टी व्यापार से उपभोक्ता बी टू सी बिजनेस टू कस्टमर। ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए कम से कम कितनी बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है? 256 kbps। मॉडेम का मतलब है मॉड्यूलर डीमॉड्यूलेटर। अपने नेट उपयोग की गति को kbps द्वारा परिभाषित किया जाता है। हाल ही में खोले गए पृष्ठों और चित्रों को स्टोर करने के लिए एक वेब ब्राउजर द्वारा उपयोग की गई अस्थायी स्टोरेज जगह को क्या कहते हैं? कैच या कैश। इलेक्ट्रॉनिक नगद भुगतान में बी वाला ऑप्शन सही है। एक उपभोक्ता कई इलेक्ट्रॉनिक सिक्के खरीदता है जो कि सिक्के जारी करने वाले बैंक के द्वारा डिजिटल तरीके से हस्तांतरित होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक नगद भुगतान में होता है। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल क्रेडिट कार्ड भुगतान के लिए प्रयोग होता है। EFT का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलने की सही क्रम है स्टार्ट, उसके बाद ऑल प्रोग्राम, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर। एक मल्टीमीडिया वेबसाइट पर एनालॉग वीडियो का प्रयोग करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? वीडियो कैप्चर कार्ड की। हाइपरलिंक होता है ग्राफिक या टेक्स्ट में किसी एक का प्रयोग कर सकता है। वेब पेज पर एक व्हाइट स्पेस पेज को बढ़ने और प्रयोग करने में आसान बनाता है। एक वेब डिजाइन टीम स्टोरी बोर्ड को किस लिए प्रयोग करती है? वेबसाइट को प्लान करने के लिए। अगर आप सीधे वेब पेज पर जाते हैं जो कि वेबसाइट के लिए होम पेज नहीं है तो आप होम पेज को प्राप्त कर सकते हैं ब्राउजर एड्रेस एरिया में डोमेन नेम की दाईं दिशा में। डोमेन नेम की दाईं दिशा में सभी करेक्टर को मिटाकर और फिर इंटर दबाकर। कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर जो संरचना बनाई जाती है उसे कहते हैं टोपोलॉजी। इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? वैन वाइड एरिया नेटवर्क। किस नेटवर्क टोपोलॉजी में मुख्य नोड फेल हो जाने पर पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है? स्टार। निम्नलिखित प्रीफिक्स एक्सप्रेशन का मान निर्णय करें। 15 डब्ल्यू डब्ल्यू डी
WWW होता है? बी वर्ल्ड वाइड वेब, आउटलुक एक्सप्रेस है, ईमेल क्लाइंट। किस तरह की फाइल फ्लिपकार्ट ब्राउजर में इस्तेमाल नहीं कर सकते? AVI, FDI है, रिंग नेटवर्क। यदि 32 सेगमेंट हैं, प्रत्येक का आकार 1 किलोबाइट है, तो लॉजिकल एड्रेस जो होगा वह 16 बिट का होगा। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज आवश्यक है B2B ई कॉमर्स में। फायरवॉल को निम्न में से किसमें इंप्लीमेंट किया जा सकता है? महंगे मॉडेम्स में। टेक्स्ट के इंक्रिप्शन से आशय है स्क्रैम्बलिंग, इट टू प्रिजर्व इट्स सिक्योरिटी। सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी होती है बस टोपोलॉजी। डाटा लिंक लेवल पर एरर डिटेक्शन निम्न में से किससे के द्वारा किया जाता है? साइकल, रिडंडेंसी कोड्स द्वारा। बाउड एक का मतलब है बी इकाई समय में प्रसारित बाइट्स की संख्या। सीरियल कम्युनिकेशन में स्टार्ट और स्टॉप बिट्स का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? सी सिंक्रोनिकेशन। एक 24,000 BPS की लाइन पर कितने करेक्टर्स प्रति सेकंड की दर से ट्रांसमिट किए जा सकते हैं? 7 बिट प्लस 1 पैरिटी। यदि ट्रांसफर सिंक्रोनस हो 1 स्टार्ट तथा 1 स्टॉप बिट 20 240। ईथरनेट CDMA में कोलिजन हैंडलिंग के लिए मीडिया एक्सेस मैनेजमेंट द्वारा ट्रांसमिटेड स्पेशल बिट सीक्वेंस को कहते हैं जैम। नेटवर्क रूटिंग का वह तरीका जिसमें ट्रांसमिटिंग एवं रिसीविंग DTA के बीच के हर संभव पथ का उपयोग होता है कहलाती है मैसेज स्विचिंग। निम्न में से कौन सा स्टैंडर्ड RS-232C सिग्नल नहीं है? DSR। निम्न में से कौन सा ISO लेवल फिजिकल कम्युनिकेशन फैसिलिटीज से ज़्यादा नज़दीकी संबंध रखता है? डाटा लिंक। ऑब्जेक्ट ब्राउजर ऑब्जेक्ट लाइबिलिटीज तथा उनके डाटा को और कोड के साथ संबंध को दिखाता है। मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया टेक्स्ट ग्राफ और ग्राफिक्स का कॉम्बिनेशन है। मल्टीमीडिया कौन से 3 मुख्य क्षेत्रों में उपयोग होता है? बी एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट। सबसे बड़ा ऑडियो फाइल फॉर्मेट कौन सा है? MP3। एनिमेशन क्या है? ऑब्जेक्ट का अपरेंट मूवमेंट। एनिमेशन के 2 प्रकार कौन से हैं? 2D एंड 3D। कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट एनिमेटेड हो सकता है? JPEG। लेन में कौन सी चीज उपयोग में नहीं आती? प्रिंटर। बिल गेट्स किस कंपनी से जुड़े हैं? माइक्रोसॉफ्ट। इनमें से कौन सा ईमेल पता सही है? ram@yahoo.co.in। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? BSNL।
किसी कार्यालय में कार्यरत कई कंप्यूटरों को जोड़ने की क्या विधि है? लेन, कॉपी राइट अ फाइल टू योर कंप्यूटर फ्रॉम एनादर कंप्यूटर ओवर द फोन यूजिंग ए मॉडेम इज कॉल्ड डुप्लीकेटिंग। व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर? लोकल एरिया नेटवर्क। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड टाइप ऑफ नेटवर्किंग? वैन, सुरक्षात्मक अवरोध जो प्राइवेट नेटवर्क एवं इंटरनेट के बीच कहलाते हैं। फायरवॉल, ग्रुप वेयर है। कम्युनिकेशन टूल, इनमें के से कौन सा ईमेल के लिए सही है? बी वाला ऑप्शन, यह एक सिस्टम है जो किसी व्यक्ति को समूह में से इलेक्ट्रॉनिक रूप से संप्रेषण करने की अनुमति देता है। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? विंडोज, एक्सप्लोरर। इनमें से कौन सा आउटलुक मेनू का शॉर्टकट नहीं है? मैसेज। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोसेसर्स को कार्यकलाप सिंक्रोनाइज करने के लिए अलाउ करता है। यूजर फ्रेंडली निकाय है, पूर्णतः कॉमन हो रहा है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल और VOIP प्रौद्योगिकी वॉइस कॉल को किसमें परिवर्तित करता है? डिजिटल से एनालॉग। नॉन प्रॉफिटेबल संस्थान के लिए कौन सा डोमेन प्रयुक्त होता है? .org। HTTP का पूर्ण फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IRC का मतलब है इंटरनेट रिले चैट। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है? उपरोक्त सभी। डेडिकेटेड कंप्यूटर का मतलब है एक और केवल एक कार्य दिया जाता है। IBM PC 80 में 80 का पूर्ण रूप क्या होगा? एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। MS PowerPoint में किस मेन्यू में टू कंटेंट ऑप्शन उपलब्ध होता है? न्यू स्लाइड ऑप्शन में। इनमें से कौन ऑफिस कलेक्शन के ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर में नहीं है? कॉम्पैक्ट। ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन में कौन सा बटन स्लाइड शो प्रारंभ करने हेतु इस्तेमाल किया जाता है? F5। ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन के किस कैप्शन में हाइड स्लाइड पाया जाता है? C स्लाइड शो में। ओपन ऑफिस के फॉर्मेट कैप्शन में इनमें से कौन नहीं पाया जाता है? स्लाइड। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर कर अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुँचाएँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।